सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजत वर्मा और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गेम ऑफ हैबिट। हैबिट क्या है और क्या अंतर है गोल में और हैबिट में, क्या आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ध्यान से सुनना, एक चीज है गोल, एक चीज है हैबिट। गोल से आते हैं टारगेट, हैबिट से बनते हैं सिस्टम्स। गोल्स के साथ प्रॉब्लम्स पता है क्या है, जो विनर और लूजर होते हैं, जो जीतते हैं और जो हारते हैं, उन दोनों के सेम गोल होते हैं। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, दिस इज देयर गोल। आई वॉन्ट टू विन द मेडल, दिस इज देयर गोल। पर हैबिट, विनर और लूजर की हैबिट में अंतर होता है। सिमिलरली जो गोल्स होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस देते हैं। सपोज आपका गोल था एक रेस को जीतना या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना, और जैसे ही आपने निकाला आपका गोल हो गया सेटिस्फाई और आप उस मोमेंट के लिए हो गए सेटिस्फाई। हो सकता है आप उसके बाद रनिंग करना छोड़ दें या फिर आप पढ़ना छोड़ दें। जो आपका गोल था अचीव होने के बाद अब तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर किसी की हैबिट्स है तो ये इसके साथ जिंदगी भर रहती है। कई क्रिकेटर आए, कई क्रिकेटर गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर इतने साल तक क्रिकेटर और बेस्ट क्रिकेटर बने रहे क्योंकि क्रिकेट खेलना और सेंचुरी मारने उनके गोल्स नहीं थे, उनकी हैबिट थी, उनकी हैबिट में था क्रिकेट खेलना। कई सारे बड़े बड़े क्रिकेटर जिनका नाम सचिन तेंदुलकर से बड़ा हो सकता था, जैसे उन्होंने गोल्स अचीव किए वो ठंडे पड़ गए, वो स्टार्डम में आ गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर हैबिट वाला इंसान था, सिस्टम था। रोज सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, भले ही उसने लगातार 5 सेंचुरी मारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर विनोद तावड़ी वाले लोग एक बार 1000 रन मारे उसके बाद स्टार्टअप में होके हमेशा ही हो गए। तीसरा पॉइंट, जो है जो गोल्स होते हैं ना उनको मोमेंटरी चेंज देते हैं। मोमेंटरी चेंज यानी हो सकता है आपका कोई गोल है कि मेरे को एक्स अमाउंट इतने दिनों में कमाना है, उसको आपने कमा लिया तो आप सिर्फ मोमेंट के लिए बदले हो, उस मोमेंट के लिए बदले हो। लेकिन हैबिट ये आपको लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, भले धीरे 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 लेकिन लाइफ लॉन्ग। ये वीडियो बनाने का पता है मेरा पर्पस क्या था? मैं परेशान हो चुका हूँ यूट्यूब में फेक इन्फ्लुएंसर से जो दे मोटिवेशन। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, आपको सिस्टम्स और प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मोटिवेशन से आप गोल सेट कर लोगे लेकिन उसको पाने के लिए हैबिट्स ही नहीं, जो कि मेरे पास थी नहीं। तो मैंने अटोमिक हैबिट जो कि बुक है जेम्स क्लियर की, वो मैंने मंगाई और वो पढ़ी। अभी मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जितनी पढ़ी शानदार थी। वो सिस्टम्स और प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कैसे अपने हैबिट्स और सिस्टम्स बना सकते हैं ताकि आप जीतो। एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का ओलंपिक से वो 8 ओलंपिक लगातार हार चुके थे। कोई भी कंपनी की साइकिल उनको साइकिल चलाने नहीं देते थे, क्योंकि अगर ब्रिटिश वालों ने चलाया साइकिल तो उस कंपनी की इमेज में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था कि यार ये तो ये बेकार वाली साइकिल होंगी, तभी ये सब हार रहे, तो कोई उनको स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा था। तब उन्होंने एक कोच को चुना, उस कोच ने सिस्टम्स में 1% इम्प्रूवमेंट डेली करवाए अपने प्लेयर्स से। सीट्स की पोजीशन कंफर्टेबल करना, अच्छे सपोर्टर पहनवाना 1%, अच्छे एरोडायनामिक्स में उनको ट्रेन कराना, बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट जब हुए 2-2.5 साल तक, उसके बाद उनका नेक्स्ट ओलंपिक में इसी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 8 साल से कोई मेडल नहीं जीता 5 मेडल जीते, और उसके अगले साल 7। कैसे हुआ? हैबिट से हुआ। इनको ओलंपिक से कोई मतलब नहीं था, इनको साइकिल चलाने का मतलब था और 1% इंप्रूवमेंट रोज करना था उनको साइकिल चलाने में। वो कोच ने किया, कोच अमर बनी और टीम भी अमर बनी। क्या है ये 1% इंप्रूवमेंट? कहते हैं अगर आप 1% इंप्रूवमेंट 365 दिन करो तो आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर आप 1% डिक्लाइन हो रहे हो 365 दिन के लिए तो आप आज जो हो उसका 0.3% रहते हो, 0.03%। खैर, आप लगातार इंप्रूवमेंट भी नहीं कर सकते, लगातार डिक्रीमेंट भी नहीं कर सकते, दोनों का मिक्सचर बनता है। लेकिन अगर आप ये वाला पल्ला भारी है ना 1% इंप्रूवमेंट का, तो यार 5-10 गुना तो अच्छे हो जाओगे, मेरे को भी होना 5-10 गुना अच्छा, कम से कम 5 से एक जगह स्टैग्नेंट तो नहीं होंगे। हम सोचते हैं हैबिट ऐसी काम करती है स्ट्रेट लाइन में, काश हमने अलार्म सेट किया 4 बजे था और हम उठ जाएंगे। हैबिट ऐसी काम नहीं करती, हैबिट काम करती है एक्सपोनेंशियल, शुरू में बहुत स्लो 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 हैबिट वर्क करती है। इसको बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट जोन। यहाँ हमको लगता है यार ये बकवास बात है, इनको छोड़ो और अब अपने सेम ठहरे में वापस आ जाओ, तो आप अपनी हैबिट कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये होता है हैबिट का ब्रेक थ्रू पॉइंट, जैसे इसको छोड़े तो आपकी हैबिट एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है नहीं? हमको बस ये वाले पॉइंट को तोड़ना है। ये वाला पॉइंट कितने दिन में आ रहा है किसी को भी नहीं पता है कि नहीं। कई लोग 4 बजे का अलार्म भरते हैं लेकिन वो अगले दिन 8 बजे उठते हैं,
50 बार स्कूल दवा के कई लोग धीरे धीरे 7 बजे से 6:30 का अलार्म सेट करते हैं, 6:30 से 5 का 6 का करते हैं, फिर 6 से 5:30 का करते हैं, फिर 5 का करते हैं। इवेंचुअली उनकी पूरी बॉडी अडेप्ट करती है 5 बजे उठने के लिए, लेकिन ये 4 बजे वाले ये दिन भर सोता रहेगा। तो हैबिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्स। गोल्स होने चाहिए ताकि अपन को लक्ष्य का पता रहे कि अपन को जाना क्या है। मैं गोल्स और टारगेट कोई नहीं बोल रहा कि आप बनाओ, मेरे भी हैं कुछ गोल्स और टारगेट, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि विनर्स और लूजर दोनों के सेम गोल्स होते हैं। गोल्स हमें सिर्फ रास्ता दिखाए, लेकिन रास्ते में चलने का चलवाने का काम हैबिट्स और सिस्टम करें। वैसे ही अब एक ध्यान से सुनना, एक होता है लाइफ मैनेजमेंट, एक होता है टाइम मैनेजमेंट। लोग पढ़े इसके बीच में टाइम मैनेजमेंट गोल्स, टाइम मैनेजमेंट करके तारीख क्या लूंगा, तुम करना क्या है तुम्हें। एक होता है लाइफ मैनेजमेंट, अगर लाइफ मैनेजमेंट होगी तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं। पता रहना चाहिए लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, सिंपल। टाइम मैनेजमेंट क्या है, 24 घंटे हैं और उसमें तुमको 8 घंटे काम किए, भले तुमने 8 घंटे क्या करे, एक पन्ना पढ़े, लेकिन तुम्हारे तो आप यार 8 घंटे पढ़ा मैंने, क्या कुछ प्रोडक्टिव है, कुछ नहीं है। लाइफ मैनेजमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टाइम मैनेजमेंट। जब हम हैबिट को शिफ्ट करते हैं ना, तो लोग रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं, आउटकम, लेकिन आउटकम डायरेक्ट चेंज नहीं होते, हमको हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब ये क्या वाला भैया आइडेंटिटी शिफ्टिंग, हम आज जो भी हैं हमारे पास बिलीव्स के कारण है, आज जो हमारी आइडेंटिटी है। मैं अगर रजत यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मेरे कुछ पास बिलीव है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आइडेंटिटी हमारा आउटकम डिसाइड करती है, हम क्या करते हैं आउटकम चेंज करने की कोशिश करते हैं रिजल्ट। यानी कि अगर मेरे को तो अगर रेस में नंबर वन होने है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे रेट में चल लेना रेस, अगर मेरे को रेस में नंबर वन आने का है तो अब कल से मेरे को 6 घंटे दौड़ने का है। अब ये भाई है मेरा भाई जिसने जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा, पहले दिन दौड़ के उसकी किडनी उल्टी हो जाएंगी, है कि नहीं। हम आउटकम हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट चेंज हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेस हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम बहुत अच्छे रनर बन जाएंगे। यानी पहले दौड़ेंगे, उसके बाद हैबिट चेंज होंगी, उसके बाद रनर बनेंगे। ऐसा काम नहीं करती हैबिट्स और जिंदगी भी ऐसी काम नहीं करती। हमें आइडेंटिटी की ओर से ऊपर जाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले आइडेंटिटी और बिलीव्स अपनी चेंज करना पड़ेगा फंडामेंटली। ये बोलने के कि अब मैं दौड़ूंगा, हमें बोलना पड़ेगा आई एम अ रनर। हम ऑलरेडी एक रनर है। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दो स्मोकर थे, दोनों सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बोल रहा है, जब उसको सिगरेट ऑफर हुई, एक बोल रहा है कि यार मैं तो अभी क्या है सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मत दो। और एक बोल रहा है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं, कभी पी के नहीं, ना पीता ना पीऊंगा। ज्यादातर चांसेस ये है कि दूसरा वाला अपनी सिगरेट छोड़े, क्योंकि वो आइडेंटिटी से मान चुका है आई एम अ नॉन स्मोकर। एक बोल रहा है टाइप टू क्विट स्मोक, एक बोल रहा है मैं तो स्मोकर कभी था ही, आई एम नॉट अ स्मोकर। आइडेंटिटी सिमिलरली, अगर हमको कुछ भी अचीव करने का है तो रिवर्स प्रोग्रामिंग करना चाहिए। सपोज अगर मेरे को कंटेंट क्रिएट करने का है तो मैं रिजल्ट में ध्यान नहीं दूंगा, पहली वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दूँ, सबसे पहले मैं सोचूंगा आई एम ऑलरेडी अ कॉन्टेंट क्रिएटर। अगर मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो मेरी प्रोसेसेस क्या होंगी, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे को कैमरा सेटअप करना है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, थंबनेल मेकिंग सीखनी है और अपना वीडियो चालू कर देना है। फिर आपको आएगा व्यूज, ये दुनिया भर की चीज व्यूज, के बाद में एफिलिएट मार्केटिंग इससे करूंगा, इससे मैं अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूंगा, अपना पर्सनल ब्रांड बनेगा, लोगों से मेरे को थोड़ी सी लव मिलेगा। ये बात का बात है, सबसे पहले मेरे को मन से मानना पड़ेगा कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी के बारे में बात करता है, थिंक एंड ग्रो रिच में भी इसी के बारे में बात हुई है। आइडेंटिटी चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर आइडेंटिटी से प्रोसेस चेंज होंगी, हैबिट्स और सिस्टम, उसके बाद रिजल्ट चेंज होंगे। अपने बाकी के चैप्टर्स में उन्होंने वो समझाया। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। खरीद के पढ़ लेना एटॉमिक हैबिट बुक्स, कोई समरी बॉम्बे के चक्कर मत रहना, FM वाली अच्छा है वो FM, लेकिन समरी बॉम्बे के चक्कर मत रहना, इसको खरीद के पढ़ लेना। अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाकी का जो 4 स्टेप्स है उनमें सेपरेट वीडियो बनाने का होता है, इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम। हो सकता है मैं बाद में इसके बारे में बनाऊँ वीडियो, 4 स्टेप क्यू, उसके बाद क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड,
ये चार स्टेप से धीरे धीरे वो भी बना दूंगा खुश रहो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, मुझसे एसोसिएट होना है मेरी ग्रोथ जर्नी में तो सब्सक्राइब करना। देखो यार मैं भी ना तुम्हारे टाइप ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर बीटेक में अभी पढ़ रहा हूँ और मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो अगर तुम अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, अगर तुम मुझसे अभी एसोसिएट होते हो, सब्सक्राइब करते हो, मेरे से ज्वाइन रहते हो, तो मैं तुमसे सीखूंगा, तुम मुझसे सीखना, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, है कि नहीं। और मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ दोस्त, लेकिन अब मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूंगा कि ये सब सीख के अभी मैं इसको अपनी जब जिंदगी में अप्लाई करूंगा, कई सारे एरर आएंगे जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि यार जब मैंने ये अप्लाई किया तो ये एरर है, लेकिन मैं स्लाइड 1% इम्प्रूवमेंट के साथ ग्रोथ करूंगा, तो इस ग्रोथ जर्नी का पार्ट बने। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, कुछ आप मुझे सिखाए, कुछ मुझसे आप सीखे। धन्यवाद, मेरा नाम है रजत, साइनिंग ऑफ।